खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां कोचस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रुककर आरसीपीसी का अभिनंदन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपीसी ने मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के बाद अब दमनदीप के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का पूरा खेमा भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो पार्टी के जो सर्वे सर्वा है उनसे पूछिए कि राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं जहां लोग हैं वहीं सिमट रहे हैं। हम जब पार्टी में थे तब प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब वह लोग तो अपने में मस्त हैं, तो स्वाभाविक है कि बिखराव होगा ही। रबजू लाइव के लिए देखिए धर्मेंद्र कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। जो आजकल पार्टी के सर्वे सर्वा लोग हैं उनसे पूछिए कि भाई राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं और जहां लोग थे सब कहे सिमट रहे हैं। कोई सिमटता क्यों है, कोई हटता क्यों है? स्वाभाविक है, जहां कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती राजनीतिक कार्यक्रम में चलाया जाता है। और यही तो आप देख रहे हैं, यहां तो मैं बिहार में आपने देखा नहीं, 12 सालों तक संगठन में काम किया, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा काम मिला रहता था, प्रशिक्षण चलते रहता था, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते थे। इन सवा साल से अब देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? वो सरकार तो कुछ लोग चलाते हैं ना, बाकी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी में रहे बूथ स्तर से क्या करते हैं? आप तो सोच लीजिए, जितना कार्यक्रम समिति होता था जिसको 20 सूत्री कहते हैं, उसका साहब कोई बनाए फुर्सत ही किसी को नहीं है जी, अपने आप में मस्त है लोग। निश्चित रूप से जो दूसरे प्रदेशों के साथ ही रहे उनको लगा कि साहब इस पार्टी में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या करेंगे? टाटा बाई नहीं करेंगे। सर नीतीश जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को गोलबंद करने चले थे, अब उन्हीं का पार्टी धराशायी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार की नीतियों और